नमस्कार भाइयों बहनों, आज हम लंपी त्वचा रोग के बारे में जानकारी लेंगे। तो हमारे साथ आज पशुपालन विभाग से डॉक्टर लोकेश बेलवंशी सर हैं, जो कि इस विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर लोकेश बेलवंशी, पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी छिंदवाड़ा। मैं आज आपको लंपी स्किन डिसीज के संबंध में मैं चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको लंपी स्किन डिसीज क्या होती है इसके बारे में बताऊंगा। लंपी स्किन डिसीज सबसे पहले 1929 में ये मैन अफ्रीका के जाम्बिया स्टेट में आई थी। उसके बाद में भारत में ये पहली बार 2019 में वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के कुछ जिलों में ये देखने को मिली, जिसमें लंपी स्किन डिसीज से ही इसके नाम से ही हमको ये पता चलता है कि ये स्किन की डिसीज है, जिसमें छोटे छोटे नोड्यूल्स इसमें बनते हैं। नोड्यूल्स मतलब जो गोलाकार आकृति पशुओं के सारे शरीर में बनती है। इसमें आपको देखने के पहले सबसे पहला लक्षण ये मिलेगा कि उसमें हाई फीवर होता है, बुखार आना शुरू करता है और आपको मुंह से उसमें लार बहना मिलती है। हाइपर सेंसिटिविटी आपको उसमें देखने के लिए, हाइपर सेंसिटिव मतलब कि शरीर, जो एनिमल का जो शरीर होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है इस बीमारी से। और ये जो बीमारी है, जो लंपी स्किन डिसीज जो बीमारी है, ये वायरस से फैलने वाला रोग है, जिसका जो जैसे ही एनिमल है, जैसे ही ये वायरस इन्फेक्ट करता है पशुओं को, तो पशुओं को जैसे ही इन्फेक्ट करने के बाद में ये इनके जो सिम्टम आते हैं, 4 से 14 दिन तक ये सिम्टम हमको मतलब कि पशुओं के शरीर में हमको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जब वायरस जैसे ही इन्फेक्ट करता है पशु को, तो सबसे पहला लक्षण आता है कि उसको हल्का बुखार आना शुरू होता है। तो और धीरे धीरे बुखार आने के साथ साथ में धीरे धीरे मुंह से लार बहना, ये तो हमने आंसू बहना, ये उसमें शुरुआती लक्षण होते हैं। और धीरे धीरे जब ये लक्षण आते हैं तो पशु क्या है, खाना खाना कम कर देता है, क्योंकि उसमें जो हाई फीवर जैसे वो आता है, उसके कारण क्या उसमें खाना ये सब चीज़ें वो बहुत कम कर देता है। ये इसके लक्षण।